ओके दोस्तों आज थर्सडे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी मार्केट गैप अप ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल से मार्केट ने लाइक like, कहीं ना कहीं मार्केट ऐसा फंस रहा है कि कवर नहीं कर पा रहा है अब आज का दिन ऐसा था जिसने हाई एंड लो स्ट्रेटजी मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया जैसे ही अपडेट किया बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ने 700 पॉइंट का फ्लिक दिखाया उसके बाद में नीचे की तरफ गया वो बट कहीं ना कहीं आज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डे था जिसने पूरा दिन ट्रेड किया और एक तो उनके लिए दूसरा जो सिर्फ एक्सपायरी के दिन पे शॉर्ट टाइडल स्ट्रैंगल्स वगैरह करते हैं उनका तो हालत खराब हो गया होगा क्योंकि निफ्टी ने लिटरली तीन से चार बार 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया निफ्टी ने 300 सौ बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने 300 पॉइंट का अपडाउन अपडाउन करते हुए लास्ट में सवा तो दो बजे के आसपास जो मोमेंटम आया उसने अपना ब्रेकआउट वगैरह किया हुआ है क्या अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कल है फ्राइडे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं एक बार हम लोग उसको भी देख लेंगे ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिस इज अवर ऑफिशियल चैनल यहाँ पर 94,300 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जहाँ पर आपको जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो ये यह आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा यहाँ पर आपको हमारे कम्युनिटी का ये सब डिटेल्स कस्टमर केयर नंबर वगैरह आपको दिखेगा फेक चैनल ज्वाइन मत करो एक का डबल दस दो तो पचास कर देंगे ऐसा कोई हमारी सर्विस नहीं है कोई भी हमारी पेड सर्विस वगैरह नहीं है तो बेफिजुल में गलत चैनल पे सर्च करोगे आप आप सिर्फ वीपी तो 90 चांस है कि आप फेक चैनल ज्वाइन कर लोगे क्योंकि नाम क्या कॉपी करना आसान है आजकल कोई बड़ी बात नहीं है तो स्कैमर के हाथों मत फंसना इस चीज को ध्यान रखना ओरिजिनल चैनल ज्वाइन कर लेना ओके बात करते हैं आप सबसे पहले स्टॉक्स जो हमने कल के दिन पर डिस्कस किए थे कल हमने डिस्कस किया था कोलपाल कोलपाल हमने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट टू सिक्स सेवेंटी थ्री के आसपास ब्रेकडाउन आता है तो हमको नीचे का मोमेंटम मिल सकता है और हम लोगों को ऑलमोस्ट टू सिक्स थर्टी थ्री के आसपास का टारगेट बैठेगा अब इसने क्या फर्स्ट कैंडल फाइव मिनट्स का इतना बड़ा बना दिया ऑलमोस्ट चालीस पैंतालीस पॉइंट का बड़ा बना दिया दोबारा फिर यहाँ पर सेलिंग का मौका दिया तो उसने ऑलमोस्ट लो बनाया फोर्टी मतलब थर्टी का टारगेट था फोर्टी के आसपास आया फिर वहाँ से मार्केट साइडवेज होते हुए फिर उसने रिकवर कर दिया तो इसको ना मैं पॉजिटिव गिनूंगा ना नेगेटिव गिनूंगा इसको मैं ऐसे ही पकड़ लूंगा उसके बाद हमने दूसरा डिस्कस किया था स्टॉक हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ओलेक्ट्रा करके जो स्टॉक था हमारा वहाँ पर ब्रेकआउट बन रहा था अब यहाँ पर देखो अगर आज का दिन देखोगे तो उसने एक सीधा गैप अप खोला कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने ऐसे ब्रेकआउट की बात की थी अभी उसने कैंडल ही यहाँ खोला और सीधा रेड बना दिया तो मतलब इसने भी तय मैच कर दिया तो ये भी कोई काम का नहीं निकला एनसी स्टॉक देखो जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि जो भी मैं स्टॉक्स बड़े टाइम फ्रेम पे आपको समझा रहा हूँ तो आज नहीं तो कल मोमेंटम आने के यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो एनसीसी हमने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर जोन मल्टीपल टाइम टेस्टेड स्टॉक है ब्रेकआउट देगा तो अच्छा मोमेंटम कर सकता है आज इसका रिजल्ट भी आया और रिजल्ट अभी पॉजिटिव है डिटेल में उसको अपने को जाना नहीं है हम सब टेक्निकल के बारे में बात करेंगे ब्रेकआउट दिया उसने सीधा वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर आपको लगभग सिक्स टू सेवन परसेंट के आसपास का मोमेंटम बनते हुए लगभग टू फिफ्टी फोर से टू सेवेंटी फोर का मोमेंटम दे दिया तो ऐसे स्टॉक्स को जो हम डिस्कस करते हैं ना उसको रेडार रेडारे रखा करो ट्रैक किया करो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि कैसे मोमेंटम यहाँ पर आता है चलो बात करते हैं सबसे पहले आप निफ्टी की कि निफ्टी का सिचुएशन यहाँ पर क्या है तो निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे टॉप टू बॉटम में यहाँ पर फिवी ड्रॉ करता हूँ तो जो यहां पर ये यह अटक रहा था कौन से जोन पे लगभग अटक रहा था ये एक सेकंड इसको हम लोग ये बार बार जो अटक रहा था वो लगभग यहां पर 22,300 मतलब थ्री ट्वेंटी वाला जोन पकड़ लो आप इस जोन के आसपास अटक रहा था यहां से नीचे की तरफ आया यहां से नीचे की तरफ आया यहां रिजेक्शन यहां रिजेक्शन आज भी गैप अप खुला वाकई रिजेक्शन लेते हुए अगर आप यहां पर ध्यान देते हो रिजेक्शन लेते हुए उसने एक बार फिर ट्राई किया फिर यहां पर रिजेक्शन आया तो दोबारा जब उसने ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा यहां पर मोमेंटम यहां पर अपने को देखने के लिए मिला अब अगर हम बात करें तो क्या इसने ट्रेंड चेंज किया है तो देखो उसने अच्छा खासा आज मोमेंटम दिया हुआ बट दो से तीन चीजें हैं ना जो यहाँ पर खटक रही है मुझे जो कहीं ना कहीं निफ्टी को रोक सकता है मार्केट ऊपर खिंच गया है सेल कर दो सेल कर दो मेरा रिटेलर वाला माइंडसेट नहीं है ना ही मेरे पास कोई ओपन पोजीशन है जो मैं उस थॉट प्रोसेस से यहाँ पर आपको कहूं मैं यहाँ पर प्योरली टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से बात कर रहा हूं आपको जैसे जोन में आपको यहाँ पर कंसीडर करना है वैसा अब यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस जोन को यहां से मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ गया सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ गया सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ गया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ब्रेकडाउन आया ब्रेकडाउन के बाद दोबारा इस जोन को टेस्ट वगैरह नहीं किया गया है सीधा मार्केट नीचे की तरफ आया अब जो टेस्ट हो रहा है ना वो सीधा यहाँ हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं फंसाने वाला चांस यहाँ पर बनता है दूसरा अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये लेवल्स पे अगर मैं ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ हाँ ये थोड़ी टेरी है थोड़ी ऊपर दाढ़ी है प्रॉपर ड्रॉ करने नहीं आता ये सब चीज़ें थोड़ा फोकस मत करना ध्यान से देखो समझा रहा हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना ट्रेडर्स जब भी ये ट्रेंड लाइन्स के आसपास आ रहा है ना निफ्टी तो एक रिजेक्शन फेस कर रहा है 3 पॉइंट अगर आप यहां पर ध्यान दोगे अब इसने क्या किया यहां पर मार्केट ने फॉल दिखाया ऐसा राइट right? अब ये 23 पे भी नहीं रुका 38 पे भी नहीं रुका 50% पे आज रुकना चाहिए था बट वो नहीं रुका सीधा वो 618 लेवल्स के आसपास आया अब जब भी 618 लेवल्स के आसपास आता है तो 90% ऑफ द टाइम क्या होता है एक बार को वो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले लेता है फिर हो सकता है ये ट्रेंड कंटिन्यूशन हो जाए या ये अपसाइड वाला ट्रेंड कंटिन्यूशन तो ये दो से तीन चीज़ें जो है ये अभी भी निफ्टी को यहां पर फंसा सकती है ध्यान रखना इस पॉइंट पे नॉल लेट से कल फ्लैट खुल गया या हल्का फुल्का गैप अप खुल गया तो ये जो रिजेक्शन लेवल है वो ट्वेंटी वाला है इसको ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट टॉप जो बनता है वो बनता है ट्वेंटी एंड इसके बाद फिर वो ट्वेंटी के आसपास जो कि लाइफ टाइम हाई है वो अचीव करते हुए यहाँ पर दिखा सकता है अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे ढूंढ रहे होंगे कि मार्केट ऊपर गया क्यों या क्या तो देखो सिर्फ इंडियन मार्केट को देखोगे ना तो आपको चीज़ें हमेशा ना हाफ़ नॉलेज रहेगा और चीज़ें समझ में नहीं आएगी यूएस मार्केट कवर किए जा रहा है यूरोपियन मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास आ चुका है कल इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे यूएस के अंदर जिसमें कल अपना आज मार्केट गैपअप क्यों खुला अपना गैप अप इसलिए खुला कि यूएस में जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर आ रहा है कहीं कही ना कहीं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बोला जा रहा है क्योंकि फेड क्या है पकड़ के बैठा था कि अगर थोड़ा बहुत भी नरमी आती है इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे की तरफ जाता है तो हम यहाँ पर रिस्क उठा सकते हैं कि रेट कट वगैरह कर दें तो ये जो आपको दिख रहा है ना कि तूफानी मोमेंटम आया है अपसाइड बाइंग का यूएस मार्केट ऊपर भाग रहा है यूरोपियन मार्केट लाइफ टाइम आए के आसपास तो ये एक एंटिसिप्टन के हिसाब से है कि अब तो रेट कट होना ही होना है उस चक्कर में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इसके अलावा कोई सेकंड न्यूज यहां पर फ्लोट होते हुए मुझे नहीं दिख रही है तो इस चीज को ध्यान रखना अब बात करते हैं है। तो एक बार यहाँ पर एक को एक बनते देख सकता है। मतलब क्या कौन सा लेवल है तक थाउजेंड थ्री हंड्रेड से फ्लैट खुलते हुए तो बाईस हजार तीन सौ के आसपास एक रिट्रेसमेंट बनते हुए यहां पर दिख सकता है लेट से उसको नहीं आता है सीधा ब्रेक करके नीचे आता है तो यहां ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड वाला जो जोन है ये हो जाएगा ब्रेकडाउन लेवल जहां पर हम लोग फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्सटी 21,940 जो कि यहां है एंड लास्ट वन इज 21,830 ये तो भैया ट्रेंड ही चेंज कर देगा इसको ब्रेक करता है भी निफ्टी ध्यान रखना जो मेजर सेलिंग है वो 22,200 20 के बाद जिसमें 22 के 22,060 21,940 एंड 21,830 के आसपास हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी निफ्टी की का क्या सिचुएशन है तो देखो अगर आप आज ध्यान दोगे ना कल के दिन पर हमने देखा प्राइवेट बैंक प्रेशर में थे एच बैंक को अच्छा खासा ठोका गया था नीचे की तरफ आज हम देखेंगे ना तो पीयूसी पीएसयू वाले जो है ना उनको पकड़ के बैठे थे मतलब कहीं ना कहीं ना बैंक निफ्टी किसी ना किसी एंगल से कहीं ना कहीं ये लोग तंग कर रहे हैं बैंक निफ्टी को उड़ने नहीं दे रहे बैंक निफ्टी को ये लोग पकड़ के बैठ गए अब आज एक्सपायरी थी निफ्टी की वॉलीटिलिटी बैंक निफ्टी में भी थी ऐसे नहीं कि नहीं थी बिल्कुल ये बिल्कुल यहाँ खुला सॉरी यहाँ खुला नीचे की तरफ अप साइड वॉलेटिलिटी जोनों में थी ऐसी कोई बात नहीं है बट जो मोमेंटम निफ्टी पकड़ के ईजीली ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है ना वो बैंक निफ्टी में हम नहीं देख रहे हैं बैंक निफ्टी अभी भी प्रेशर फेस कर रहा है तो इसका ये जो लेवल है ये अभी भी उस जोन के आसपास है मतलब तकरीबन ये फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड कल हमने डिस्कस किया था फोर्टी सेवन थाउजेंड नाइन थर्टी अभी हल्का हुल्का ऊपर आया तो ये और ये फोर्टी एट थाउजेंड वाले जोन के आसपास है तो हम इसको फोर्टी एट थाउजेंड ही पकड़ेंगे राउंड नंबर अब अगर आप यहाँ पर भी ध्यान देते हो तो इसको भी अगर मैं ऐसा हल्का सा टर्न लाइन यहां पर बनाता हूं तो ये रिजेक्शन 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 अब यहां पर भी हमको रिजेक्ट होते हुए दिख रहा है नॉलेट से कल फ्लैट हल्का गैप खुलते हुए थाउजेंड टू थर्टी एंड ये फोर्टी एट थाउजेंड फोर सिक्सटी वाला लेवल ये हमको अचीव करते हुए यहां पर दिखा सकता है सेलिंग कप करना है सेलिंग के लिए पहले बैंक निफ्टी को प्रूफ करना पड़ेगा अब वो प्रूफ कैसे करेगा ये जो आज मोमेंटम आया ये जो बायस ने ऐसा पुल किया ये कमजोर होंगे तो हमने को सेलिंग का मौका मिलेगा ये कमजोर होंगे सिक्स मंड्रेड लेवल्स के नीचे मतलब फोर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी के नीचे इसके नीचे निकलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहला जो उसका सपोर्ट लेवल है डैट इज फोर्टी सेवन थाउजेंड थ्री सेवेंटी देन फोर्टी सेवन थाउजेंड टू वन जीरो एंड लास्ट वन इज फोर्टी सेवन थाउजेंड के आसपास राइट right? फ्लैट खुलते ही नीचे आता है यहाँ पर सेलिंग करेंगे नीचे की तरफ यहाँ से गिरा है यहाँ से गिरा है हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट फंसा सकता है तो ध्यान रखना सेलिंग कॉन्फिडेंस के साथ करना है तो 620 लेवल्स को यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल्स पे लाइक स्टॉप लॉस लेके बैठे हैं लोग उसको अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रहा है रेस्ट यहाँ से वो बाउंस बैक करते हो ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ से भी कर सकता है फिफ्टी से भी बाउंस बैक करते हो ऊपर की तरफ यहाँ पर के जाने की प्रोबेबिलिटी है बात करते हैं दो स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों को निकाले हैं वो एक बार डिस्कस कर लेंगे तो सबसे पहले मैनकाइंड के बारे में बात करेंगे इसको हम सेलिंग के हिसाब से देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं सेलिंग के हिसाब से क्योंकि इसने मेजर लाइन यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा सपोर्ट था ऊपर गया सपोर्ट गया ऊपर सपोर्ट से ऊपर यहाँ पर सपोर्ट से ऊपर फाइनली आज इसने ब्रेक डाउन दिया है ब्रेक डाउन भी दिया है छोटे टाइम फ्रेम भी हम आते हैं तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम में भी इंप्रूवमेंट बनते हुए यहाँ पर दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे तो यहां पर उसने क्या किया है इसने प्रॉपर्ली एक बैरिज फ्लैग पैटर्न बनाया है right? राइट इसने क्या किया है प्रॉपर्ली एक बैरिज फ्लैग पैटर्न बनाया है लेट्स से इन केस यहाँ पर वो ब्रेकडाउन देता है तो इसका ब्रेकडाउन वाला लेवल कौन सा बैठता है ये यहाँ ये ये सपोर्ट लेवल 2085 ये बन जाएगा ब्रेकडाउन लेवल इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको टेन पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा टू जीरो सिक्स जीरो विल बी द फर्स्ट स्टॉप जो कि यहां है इसके नीचे निकलता है तो टू जीरो थ्री जीरो के आसपास हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस मल्टीपल रीजन है डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन दे चुका है छोटे टाइम फ्रेम में उसने पूरा प्रॉपरली एंगल बनाया हुआ है फॉलो थ्रू करता है तो मुझे लगता है कि दो हजार तीस कर सकता है जिस हिसाब से उसने आज के दिन पे कैंडल बनाया हाँ. अब जैसे कल के दिन पे लेट से फार्मा सेक्टर बुलिश हो जाता है या हमारा निफ्टी एक्सट्रीम बुलिश हो जाता है तो उस केस में आपको सिर्फ फोकस करना होता है बाइंग साइड वाले स्टॉक को ऐसा नहीं कि फिर आप बाइंग वाले मार्केट में आप सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढो तो वो थोड़ा इलॉजिकल होगा तो इस चीज को ध्यान पर रखा करो स्टॉक को फिर आप रेडार पर रखोगे लेट से मंडे के दिन पे फिर नेगेटिव कुछ चलता है तो स्टॉक को ध्यान पे रखोगे फिर लेट से हो सकता है कि ये साइडवेज कल के दिन पे हो गया आपने ट्रेंड लाइन डॉ कर दी मंडे के दिन पे पर डाउन दे दिया तो आपका स्टॉप लॉस छोटा इनफैक्ट आपका फिर टारगेट बड़ा बन जाएगा आई होप द पॉइंट डिस क्लियर कि किस हिसाब से आप आपको ध्यान रखनी होती है चीजें बाइंग साइड पे स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे विच इज बिकाजी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे डेली चार्ट के ऊपर आते हैं तो इंटरेस्टिंगली इसने क्या किया है अगर आप इसको ध्यान से देखते हो इसने ये राउंडिंग बॉटम बनाया ये प्रॉपर उसने कप बनाया मतलब ये कप हो गया एंड ये इसका हैंडल हो गया आज उसने दे दिया ब्रेकआउट ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम कन्फर्मेशन लास्ट कैंडल से इसका वॉल्यूम ज्यादा है छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम यहाँ पर आते हैं पंद्रह मिनट के चार्ज के ऊपर तो पंद्रह मिनट के, तो, के चार्ट पे उसने क्या किया है प्यारा सा सेटअप बना के दिया हमको जो कि है बुलिश फ्लैग पैटर्न दिस इज अ वो बुलेट फ्लैग पैटर्न और यहाँ पर अगर हम लोग बॉटम से जहाँ से रैली आई थी वो हम ड्रॉ करते हैं तो ये 23.6 परसेंट के आसपास ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो कल फ्लैट खुलते हैं या वैपअप खुलते यहाँ पर 550 वाला लेवल कोई ब्रेकआउट दे देता है ऐसा देन वी कैन एक्सपेक्ट की बॉस फर्स्ट इसका जो रिजेक्शन लेवल है फाइव देन इसका रिजेक्शन लेवल है फाइव के आसपास 550 के आसपास ब्रेकआउट तो यहां पर प्लान होता है तो 545 इससे बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लान नहीं करना है क्योंकि अगर हम यहां पर पांच पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो यहां पर हम लोग दस पॉइंट का हम टारगेट प्लान करेंगे तो वन नेशो टू तो मिनिमम चाहिए चाहिए उससे कम अपने को काम नहीं करना है पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं छोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा तो वन नेशो थ्री ऐसा ऐसा प्लान करना होता है जैसे जैसे टाइम फ्रेम आपका बड़ा बनते जाएगा आई होप द पॉइंट इज क्लियर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए क्या आपका दिन कैसा गया आज के दिन पे हाई लो स्ट्रेटेजी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट की थी उसके बाद मोमेंटम भी बहुत अच्छा आया तो पैसा बनाना तो इजी था अच्छा बना नहीं बना लॉस कर दिया ओवर ट्रेडिंग हो गया क्या किया आपने कमेंट सेक्शन में के बताइए विल सी द नेक्स्ट वीडियो